मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों की पद यात्रा करेंगे। क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान, पानी बचाओ अभियान के साथ ही गंदे पानी से निजात हेतु टोटी लगाओ अभियान, बिजली बचाओ अभियान और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागृति के उद्देश्य से ये पद यात्रा निकाली जा रही है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पद यात्रा में विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना है। इसके साथ ही आम लोगों को पानी बिजली बचाने के लिए प्रेरित करना है। ऊर्जा मंत्री आज 12 बजे से अपनी पद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वो विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों का दौरा करेंगे और इस दौरान जन चौपाल को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।